जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने जैज़ की जो इंटरनेट स्पीड है उसको बूस्ट कर सकते हैं। इंटरनेट सेटिंग प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे ये इंटरनेट स्पीड लाइव आपको नज़र आ रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके पास भी जो स्पीड है वो KB में, अगर स्लो इंटरनेट चलता है तो आप उसको कैसे MB के अंदर 222-240 MB तक किस तरीके से ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इंटरनेट स्लो चलता है तो इंटरनेट चलाने का मज़ा नहीं आता। किसी भी चीज़ को आप अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो कैसे करेंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम आपको इस वीडियो के अंदर देता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। कोई भी आपके पास मोबाइल है, ओप्पो का है, हवावी का है, रेडमी का, किसी भी ब्रांड का है, आपने उसकी सेटिंग को ओपन करना है। वीडियो को दोस्तों गौर से देखिएगा, अगर किसी बात की समझ ना लगे तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, अगर फिर भी समझ ना लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इस पर आपने क्लिक कर लेना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो सिम है वो टेलीनार है और एक जैज़ है, तो हमने सेटिंग करनी है जैज़ की, तो आपने यहाँ पे जैज़ वाली सिम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों जो काम के ऑप्शन है वो तीन हैं, ये देखें जी। सबसे ऊपर है एक्सेस पॉइंट नेम का, उसके नीचे है यहाँ पर प्रेफर नेटवर्क टाइप का, उसके नीचे है मोबाइल नेटवर्क का। तो आपने सबसे ऊपर जो है वो उसको अभी छोड़ दें, आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रेफर नेटवर्क टाइप, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका 3G सेलेक्ट होगा तो आपने यहाँ पे 4G कर देना है। यहाँ पे आपने 3G नहीं रखना, अगर आप 3G रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो इंटरनेट है वो स्लो स्पीड के साथ चलेगा, आपको कभी भी 4G की स्पीड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपने इंपॉर्टेंट सेटिंग ये लाजमी से करनी है। उसके बाद नीचे आपने मोबाइल नेटवर्क को ओपन करना, यहाँ पर दोस्तों आपका जो है वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो, ठीक है जी, ये चेक आपका यहाँ पर लगा हो। ये करने के बाद दो सेटिंग आपकी यहाँ पर ओके हो जाती हैं। इसके बाद आपने सबसे ऊपर वाली जो सेटिंग है एक्सेस पॉइंट नेम्स, हमारी जो सबसे यानी कि रीड की हड्डी जो इंटरनेट के हवाले से है वो यही सेटिंग है एक्सेस पॉइंट नेम्स, ठीक है जी। इसको जैसे ही आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे सबसे नीचे देखें ये गोल एक अंडा सा बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट, इस पर आपने क्लिक करना है और आपकी एक दफ़ा से डिफ़ॉल्ट जो APN सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है जी। ये रीसेट जैसे ही हो जाएगी आपने यहाँ पर न्यू APN अब क्रिएट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना जी नेम वाली जगह पर जैज़ इंटरनेट 2023, ठीक है जी। ये लिखने के बाद आपने APN पर लिखना है जी इंटरनेट, APN पे आपने स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल दुरुस्त लिखने हैं INTERNET, ठीक है जी। इंटरनेट लिख लेना है, इंटरनेट लिखने के बाद आपने प्रॉक्सी को खाली छोड़ देना है, पोर्ट को खाली छोड़ देना है, यूज़र नेम पे आपने लिखना है जी जैज़, क्योंकि हम जैज़ के सिम यूज़ कर रहे हैं तो जैज़ लिखेंगे। पासवर्ड यहाँ पर आपने टाइप करना है 1111, यानी कि 1111 चार दफ़ा 1-1 लिखना है, ठीक है जी। इसको आपने यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आपने नीचे आना है सर्वर को खाली छोड़ देना है, MMSC इसको भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपकी एक जो सेटिंग वो और है वो है जी ऑथेंटिकेशन टाइप के हवाले से, यहाँ पे आपने PAP RCAP इस पर चेक लगाना है, सबसे आखिर वाला दोबारा से दिखा देता हूँ PAP RCAP। ये सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर APN टाइप पर लिखना है जी डिफ़ॉल्ट DEFAULT, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपकी एक और सेटिंग है यहाँ पे दोस्तों MVNO। बाज़ दफ़ा दोस्तों हमारे पास ऐसा होता है कि कभी हमारे पास 3G के सिग्नल आते हैं, कभी 2G के, कभी 4G के, कभी आपका यानी कि टिक के जब इंटरनेट ना चले, कभी 4G शुरू हो जाता है, कभी 3G। तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे जो GID सेटिंग है इसको आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसको नन कर दें, यानी कि इसको ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट ना चले तो फिर आप इसको यहाँ पे GID करके इसको सेव करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी ये सेटिंग जो है वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे इसको सेव करना, सेव किस तरीके से करना, नीचे आप देखें मोर है, इस पर आप जैसे भी क्लिक करेंगे यहाँ पे सेव का बटन है, आपने सेव कर देना है। अब आपकी ये सेटिंग सेव हो चुकी है, लेकिन अभी आपने यहाँ पर चेक लगाना इस तरीके से, ये जो हमने सेटिंग नहीं क्रिएट किया है दोस्तों ये सबसे ऊपर आ चुकी है, आपने इस पर चेक लगाना। अब आपका इंटरनेट इसी सेटिंग पे चलेगा, लेकिन उससे पहले चलाने से पहले आपने क्या करना होगा, एक दफ़ा से मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना या पावर ऑफ करके दोबारा से ऑन करेंगे तभी आपकी ये सेटिंग इसी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ये बहुत ही कमाल की सेटिंग है, 2023 की लेटेस्ट सेटिंग है। इस सेटिंग पर अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपना जो इंटरनेट की जो स्पीड है पहले से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट नज़र आएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को दोस्तों आपने लाइक लाजमी से करना है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो इसको एक लाइक लाजमी से कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।